एक कुल्हाड़ी लेकर हम जब जंगल पे पेड़ काटने आए तो एक पेड़ ने हमसे सवाल किया, भाई जी आप तो मुझे काटोगे ही काटोगे, पर अपने भारत को क्यों मार रहे हो? मेरे मन में एक संकोच शंका सी पड़ गई कि मैं इसे काटने आया हूँ और ये कहता है कि तुम अपने भारत को क्यों मार रहे हो, आखिर ये क्यों बोला, किस लिए बोला? फिर मैंने उनसे पूछा कि ओए कहीं तो डर के तो नहीं बोल रहे हो ना कि भारत को क्यों मार रहे हो, आखिर बताओ, मैंने तो किसी को मारा नहीं, मैं तो सिर्फ पेड़ ही काटने आया हूँ ना। तो पेड़ का जवाब आया, वही मैं कह रहा हूँ, भारत को क्यों मार रहे हो? फिर मैंने पूछा, आखिर इस सवाल का मुझे जवाब चाहिए कि भारत को मैं कैसे मार रहा हूँ? पेड़ का हंसते हुए जवाब आया, भाई जी आप मुझे काटोगे बिल्कुल, तो जैसे आप मुझे काटोगे ठीक है काटो कोई बात नहीं, पर जो मैं आपको ऑक्सीजन देता हूँ वो आपको कौन देगा? जब हम ही नहीं रहेंगे दुनिया में तो आपको ऑक्सीजन कौन देगा, और जब आपको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो आप मरेंगे ही मरेंगे, निश्चिंत तौर पे मरेंगे, आप किसी तरह मरें इसी तरह आप मरेंगे, और भारत में जितने भी इंसान हैं, जीव जंतु पशु पक्षी सारे के सारे मरेंगे, अगर साहस नहीं मिली तो सब के सब मरेंगे, इसलिए कहता हूँ कि मुझे काटने से पहले एक बार सोचो कि मैं भारत को काट रहा हूँ, और उस भारत को काट रहा हूँ जो भारत महान है, इसलिए मुझे काटो, तुम्हारे काम में मैं आऊँगा, मुझे काटो, पर एक के बदले दो लगाओ, तीन लगाओ, फिर मुझे काटो, पर ऐसे तुम इंसानों में नहीं है, काट के ख़त्म कर दोगे पर लगाओगे नहीं, इसी तरह एक दिन तुम सब खत्म हो जाओगे, फिर इस दुनिया में रहेगा कौन ये बताओ, पेड़ ही रहेंगे ना, तो इसलिए पेड़ को लगाओ और भारत को बचाओ।